असलम स्टूडेंट्स क्लास फोर चैप्टर नंबर फाइव टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ चेंजिंग फैमिलीज़ तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि फैमिली जो है वो कैसे चेंज हो जाती हैं तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज़ तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फैमिलीज़ की दीज़ आर द फैमिलीज़ ऑफ़ निमी एंड यासिर पहले तो हमें निमी के बारे में डिस्कस करना है यासिर की फैमिली उसके बाद है लेटस लुक एट दिस पिक्चर्स टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस तो हमें इन पिक्चर्स को देखना है डिस्कस करना है ओके okay? तो सबसे पहले है अन्यू अराइवल अन्यू अराइवल का मतलब हो गया कोई नया आया है तो कौन आया है देर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज़ फैमिली तो निमी की जो फैमिली है वो वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्यों एक्साइटेड है बिकॉज शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर क्योंकि निमी की जो नि के घर पर एक उसकी छोटी बहन पैदा हुई है ओके okay? तो यहाँ पर दिखाया भी गया है ये ये उसकी दादी ये निमी और ये उसके फादर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे ये होगी उसकी मामा और ये जो छोटी बेबी दिखाई गई है ये उसकी छोटी बहन है ओके okay? तो उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं ये लोग घर पे पहुंच गए ये निमी के अंकल होंगे ये उसकी ग्रैंड मदर ये उसके फादर ये उसकी मामा और ये उनके हाथ में क्या है बेबी गर्ल ओके okay? तो हमें यहाँ पे बताना है हु आर द मेम्बर्स ऑफ निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ़ हर बेबी सिस्टर तो निमी की छोटी बहन के आने से पहले उनके घर में कौन कौन था निमी निमी सबसे पहले निमी फिर उसके पापा उसकी ग्रैंड मदर उसकी मदर एंड हर अंकल निमी हर फादर मदर ग्रैंड मदर एंड हर अंकल ओके okay? तो उसके बाद है हाउ मैनी मेम्बर्स आर देर इन निमीज़ फैमिली नाओ तो पहले तो उनकी फैमिली में पाँच मेम्बर्स थे सबसे पहले निमी देन उसके पापा उसकी ममा उसकी ग्रैंड मदर देन अंकल हो गए पाँच और फिर अब उसकी छोटी बहन हो गई सिक्स मेम्बर्स नाव देर आर सिक्स मेम्बर्स इन निमीज़ फैमिली तो लेटस टॉक हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज़ फैमिली मेम्बर्स हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ़ द न्यू बेबी तो हमें यहाँ पर बताना है कि निमी के जो फैमिली मेबर्स हैं अब उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी न्यू बेबी के आने के बाद तो पहला क्वेश्चन है हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ तो निमी जो है अपना दिन अब कैसे स्पेंड करेगी तो ये है शी विल स्पेंड हर डे प्लेंग विद न्यू बेबी गर्ल तो निम्मी जो है वो अपना दिन जो है वो अपनी छोटी बहन के साथ खेलते हुए स्पेंड करेगी ओके सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाओ तो उसकी जो मदर हैं उनको आप क्या नया काम करना पड़ेगा टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाओ तो जो न्यू uh, बेबी आई है उनकी फ़ैमिली में उनकी देखभाल करना अपनी मी की माँ माँ मदर का नया काम होगा उसके बाद देर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज़ फादर ग्रैंड मदर एंड अंकल द विद अराइवल ऑफ़ द न्यू बेबी कैन यू टेल हाउ जो निमी के फ़ादर हैं ग्रैंड मदर हैं और अंकल हैं उनकी उनका जो डेली रूटीन हो जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा तो हमें डिस्कस करना है कि कैसे सबसे पहले तो वो लोग भी सबसे पहले जो चेंज आएगा वो अपने जो उनका जो न्यू बेबी है उसके साथ खेलेंगे तो सेकंड रीज़न हम ये देंगे कि निम्मी की जो मदर होंगी उनको पहले से अब न्यू बेबी न्यू बेबी के आने के बाद ज़्यादा काम uh, करना पड़ेगा तो उनकी वो हेल्प भी करेंगी तो ये इसका आंसर uh, निमीज़ फादर ग्रैंड मदर एंड अंकल विल पे विद द न्यू बेबी एंड विल हैव हाँ टू तो लुक आफ्टर हर आल्सो तो वो न्यू बेबी के साथ खेलेंगी भी और उसकी देखभाल भी उनको करनी होगी एज़ निमीज़ मदर वुड बी बिज़ी विद द बेबी द अदर members will हैव टू हेल्प हर मोर तो पहले से ज़्यादा उनके ऊपर काम होगा उनकी मदर को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनकी हेल्प करेंगे तो इस तरह से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी तो उसके बाद हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड तो हमें यहाँ पे बताना है कि आपके नेबरहुड में आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन पैदा हुआ है हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम तो कैसा लगता है जब कोई न्यू बेबी पैदा होता है बहुत अच्छा लगता है वी ऑल फील वेरी हैप्पी हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी तो न्यू बेबी के आने के बाद कैसे थिंग्स कैसी चीज़ें चेंज चीज़ हो जाती हैं तो हम सब लोग उसकी देख रेट में लग जाते हैं एंड हम सब लोग उसके साथ खेलने में लग जाते हैं पूरा पूरा दिन एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे